गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप? होप यू ऑल आर बेस्ट बेटा। दोस्तों, आज हम हिंदी के पार्ट 12 को सीखने जा रहे हैं, जिसका नाम है दुमदुमा गांव के बच्चे। पाठी बच्चों का, आप बच्चे हैं। बच्चों, आप जानते हैं कि आप लोग कुछ न कुछ करने के लिए तत्पर रहते हैं। बच्चों में कुछ न कुछ करने की तत्परता हमेशा होती है, उनमें अपार शक्तियां समाई हुई हैं, और इन्हीं शक्तियों को बाहर लाने के लिए हम लोग प्रयास करते रहते हैं। दोस्तों, यहाँ भी एक कहानी है दुमदुमा गांव के बच्चों की। इस गांव में पानी की बहुत ही तकलीफ है। बच्चे पानी में खेलना चाहते हैं, पानी में तैरना चाहते हैं, लेकिन पानी की कमी के कारण, बारिश न होने के कारण यहाँ पानी की हमेशा किल्लत रहती है। तो इसी तरह एक दिन कुछ बच्चे इकट्ठा हुए थे और आपस में ऐसे पानी की कमी के लिए बातें कर रहे थे कि भाई इस पानी की कमी को कैसे दूर किया जाए। तभी किसी एक बच्चे ने कहा कि मैं बादलों से प्रार्थना करूंगा। तब उसके दूसरे दोस्त ने कहा कि बादलों से प्रार्थना करूंगा कि भाई बादल भैया आप रोज बरसो। लेकिन दूसरे दोस्त ने कहा कि भाई बादल रोज कैसे बरस सकते हैं, ये बादलों को रोज बरसने की प्रार्थना किसने की पता है? बिल्लू नाम के लड़के ने। और उसकी दोस्त महिमा ने ये कहा कि भाई बादल रोज कैसे बरस सकते हैं। तब क्या किया जाए, अगर बादल रोज नहीं बरस सकते तो क्या किया जाए? तब उनमें से एक दोस्त ने कहा कि भाई क्यों ना एक बड़ा सा गड्ढा खोदा जाए, और उसमें जब बारिश आएगी तब बारिश का पानी इकट्ठा होगा तो वो पानी तालाब की तरह भर जाएगा, जिसमें बारिश का पानी खूब भर जाएगा। ये आइडिया रजिया नाम की लड़की का। तब सारे बच्चे बोल उठे कि हाँ हाँ, यही ठीक है, ऐसा ही करना चाहिए। तो सारे बच्चे जमीन खोदने के लिए जो औजार जरूरी थे, कुदाल, फावड़े, तसले, ये सब जो जरूरी था वो सामान लेकर आए और बड़ा सा गड्ढा खोदने लगे। इन्हें देखकर गांव के लोग भी उनकी मदद में जुड़ गए और इस तरह बड़ा सा गड्ढा बन गया, और बारिश के मौसम में इस गड्ढे में बहुत सारा पानी इकट्ठा हुआ और तालाब बन गया। और इसी तालाब के पानी से खेतों की सिंचाई हुई और खेतों में मक्का और धान लहलहा, खेतों में काफ़ी सारे अनाज फसलें होती हैं, तो इस पानी से, तालाब के पानी से अच्छी सी फसल हुई और फसल लहलहा, और लोग खुश हुए और बच्चों ने पानी में खूब छपा छप किया और पानी में खेला। इस तरह बच्चों की पानी में खेलने की इच्छा जो थी वो भी पूरी हुई, गांव के लोगों को खेतों में सिंचाई के लिए जो तकलीफ हो रही थी ये भी दूर हुई। तो जैसे मैंने कहा कि यहाँ बच्चों ने पानी की कमी दूर करने के लिए एक बड़ा सा गड्ढा खोदा, आपस में मिलजुल कर एक अच्छा काम किया। तो हमें भी ऐसे अच्छे अच्छे काम करने चाहिए और हमें लोगों की मदद करनी चाहिए और लोगों की मुश्किलें दूर करनी चाहिए। तो बच्चों, आओ ये पाठ हम पढ़ते हैं, शुरू करते हैं। आप अपनी टेक्स्ट बुक निकालिए, पार्ट 12, दुमदुमा गांव के बच्चे। मैं पढ़ लेती हूँ, आपका ध्यान बुक में होना चाहिए। बच्चों में अपार क्षमता होती है, उनमें स्वयं कुछ करने की लगन पैदा करना आवश्यक है। स्वयं यानी खुद। अपार यानी बहुत क्षमता यानी काबिलियत। प्रस्तुत कहानी में दुमदुमा गांव के लोगों की परेशानी दूर करने के लिए बच्चे कैसे कदम उठाते हैं और इसका निरूपण किया गया है। निरूपण यानी वर्णन।
निरूपण यानी वर्णन। एक दिन बच्चे खेल के मैदान में इकट्ठा हुए। उन्होंने पानी की कमी दूर करने की सोची। मैं बादलों से प्रार्थना करूंगा, रोज बरसो, बिल्लू बोले। बादल रोज कैसे बरस सकते हैं, मीमा बोली। तब फिर क्या हो, सब सोचने लगे, क्यों ना एक बड़ा सा गड्ढा खोदे जिसमें बारिश का खूब सारा पानी भर जाए, रजिया बोली। हाँ हाँ यही ठीक है, सारे बच्चे बोल उठे। फिर बच्चे लाए फावड़े, कुहाड़ी, कुदाले और तसले। वे जमीन खोदते रहे, मिट्टी ढोते रहे। ढोना यानी उठाना, ढोना यानी उठाना। बच्चों को काम करते हुए गांव वालों ने देखा, वे भी बच्चों के साथ काम में जुट गए। इस तरह बना एक बड़ा सा तालाब। बरसात में उस तालाब में पानी भरा, पानी से खेतों की सिंचाई हुई। खेतों में मक्का और धान लहलहाए, मक्का यानी मकई। लोग खुश हुए और बच्चे पानी में छप छप खूब नहाए। आप भी पानी देखकर पानी में कूदने की इच्छा होती है आपकी? हाँ, तो इन बच्चों को भी पानी में खेलने की बहुत तमन्ना थी, तो इस तरह पानी में खेलने की तमन्ना उनकी इस गड्ढे में पानी भरने से पूरी हुई। तो यहाँ देखिए, धान, धान यानी अनाज। तो बच्चों ये थे शब्दार्थ, और इसका जो अभ्यास और स्वाध्याय है ये मैं वीडियो के थ्रू और पीडीएफ के थ्रू आप लोगों को भेज दूंगी। तो यहाँ ये चैप्टर मैं पूरा करती हूँ। आशा करती हूँ आपको पूरा चैप्टर समझ में आ गया होगा। आपको भी ऐसे ही कुछ कहानियाँ पढ़नी है जिसमें बच्चों ने कुछ कर दिखाया हो, और मैं तो यही कहूँगी कि आप भी कुछ कर दिखाएं, कुछ ऐसा काम करें जिससे लोगों को फायदा हो। हमेशा लोगों की मदद करते रहें। थैंक यू, बाय बाय।